Hey guys, this is KV and you're watching Shanu Pets and Farm and I'm back with another video. Guys, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डॉग की डिवॉर्मिंग के बारे में. ऑल्सो मैं आपको लाइव डेमो भी देने वाला हूँ, वो भी डिटेल्स में एंड वो भी इजिएस्ट वे में. सो इससे पहले आओ मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ. गाइज ये है ग्रेसी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैब्राडोर फीमेल है एंड ये 4 मंथ्स की हो गई है एंड आप देख सकते हैं इसकी हेल्थ, इसका कोट, इसके पॉज, ऑल्सो इसकी ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 4 मंथ्स. ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये डिवॉर्मिंग होता क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डॉग को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है एंड ऑल्सो बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मिथ के बारे में. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपका डॉग आपको खुद बताने वाला है कि उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिवॉर्मिंग होता क्या है. बेसिकली डिवॉर्मिंग का मतलब ये होता है आपके डॉग या फिर आपके पपी के पेट के अंदर के कीड़े को मारना, जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं एंड ये वर्म्स काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं. नाउ सेकेंड थिंग, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. सो डिवॉर्मिंग करने से आपके डॉग या फिर पपी की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है एंड उसकी हेल्थ एंड कोट कंडीशन भी बहुत ही अच्छी रहती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉग अपनी लाइफ लंबे समय तक जीता है. नाउ थर्ड, आपके डॉग को डिवॉर्मिंग की जरूरत कब है. सो मैं आपको ग्रेसी की आंखों में जूम करके दिखाता हूँ. सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी आंखों से एक फ्लूइड निकल रहा है जिसे आंखों का कीचड़ भी कहते हैं. सो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपके डॉग को डिवॉर्मिंग की जरूरत है. एंड जब आप अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं एंड वो ऐसी हरकत करने लगता है लाइक ग्रास खाना, उसे वाइल्ड वॉकिंग जो भी मिल जाए वो उसे पिक करने लगता है एंड स्टोन उठाने लगता है. सो इफ आपका डॉग भी सेम थिंग कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपके डॉग को डिवॉर्मिंग की जरूरत है. वैसे तो हो गए कुछ पॉइंट्स. सो नाउ बात कर लेते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े मिथ के बारे में कि आपको आपके डॉग की डिवॉर्मिंग हर मंथ करनी होती है. वेल, मैं आपको बता दूं ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है. गाइस इसका भी एक तरीका होता है, शेड्यूल होता है, जो कि आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेसी का बॉडी वेट चेक कर लेते हैं. तो आज मैं इस कंपनी का डिवॉर्मिंग टैबलेट यूज कर रहा हूं. गाइस बेसिकली इसमें 2 टैबलेट होते हैं बट जैसा कि हमने मेजर किया ग्रेसी का बॉडी वेट जो कि था 10 kg अप्रॉक्स, सो मैं इसे 1 टैबलेट देने वाला हूं बिकॉज 10 kg बॉडी वेट पर 1 टैबलेट देना होता है. सो आप अपने डॉग के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टैबलेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. सो अब मैं आपको बताने वाला हूं द इजिएस्ट वे कि आप अपने डॉग को डिवॉर्मिंग की टैबलेट कैसे दे सकते हैं क्योंकि कई बार डॉग नखरे करता है खाने के लिए. गाइज आपको बस इस तरीके से अपनी दोनों उंगलियों के बीच में टैबलेट को होल्ड करना है, देन आपको डॉग का मजल थोड़ा सा खोलना है एंड उसके गले के आखिरी तक अपनी उंगली प्लेस करके वहां ले आके छोड़ देना है. देन आपको डॉग का फेस पकड़कर थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देना है एंड नेक में थोड़ा सा हाथ फेर देना है ताकि वो इजीली स्वॉलो कर ले. गाइज आई डोंट थिंक कि इससे इजीएस्ट वे और कुछ हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रेवी या फिर किसी भी डॉग फूड में डाल के देते हैं बट वो डिवॉर्मिंग प्रॉपर काम नहीं कर पाते. तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डिवॉर्मिंग को लेकर. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया कि डॉग की डिवॉर्मिंग का इजिएस्ट वे क्या है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं मिलता हूं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ. सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बी सेफ एंड कीप योर फैमिली सेफ गाइस.